डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है, ये बेबी सूट मैंने बनाया है, 3-4 साल के बच्चा पहन सकता है इसको। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। ये डिजाइन को मैं आपको डालकर बताऊंगी कि कैसे आपको ये डिजाइन डालना है। यह देखिए हमारा ये बेबी ऊन है और हमने इसमें 45 फंदा डाला है। थोड़ा सा हमने बॉर्डर बना लिया। इस पे मैं आपको ये डिजाइन इस पे डालकर बताऊंगी कि कैसे आपको ये डिजाइन डालना है। आइए चलते हैं। देखिए दो फंदे को सीधा बुनना है, एक दो, दूसरे फंदे को बीच में इस तरह डालना है आपको। फिर इसको ऊपर से इस तरह उतार लेना है, फिर दो फंदा बुनना है सीधा, फिर दो फंदे को बीच में इस तरह डालना है। दो फंदे सीधा बुनना है, बुनकर ऊपर से इसको इस तरह उतारना है, फिर दो सीधा हम बुनेंगे। दो के बीच में इस तरह डालना है, इस तरह डालना है आपको। फिर ऊपर से इस तरह उतारना है, फिर दो फंदा सीधा बुनना है, फिर दो फंदे के बीच में डालना है इसको। देखिए इस तरह, फिर आगे का फंदा हमने बुन लिया, फिर दूसरा फंदा बुन लिया, फिर उसको ऊपर से इस तरह उतारना है। इस तरह इन दोनों फंदे के ऊपर से इस तरह उतारना है, दो सीधा बुनकर। फर्स्ट फंदे को बुन लिया, फिर सेकंड फंदे को बुन लिया, फिर फंदे को बुनने के बाद इन दोनों फंदे को ऊपर से उतारना है इसको। ये हम पीछे सिलाई आ गए, उल्टी सिलाई में हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। पीछे से हमें कुछ नहीं करना, फंदा सिलाई को उनको इधर आगे पीछे नहीं करना, कुछ नहीं करना है इसमें पीछे से, बस उल्टी सिलाई उल्टी निकलेगी। देखिए दोस्त हम आगे सिलाई आ गए। देखिए एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, हमारा सेकंड फंदे है ना, सेकंड फंदे को इस तरह हम आगे को इस तरह बुन के फर्स्ट फंदे को साथ बुनेंगे, फिर हम पीछे से लेंगे सेकंड फंदे को, फिर फर्स्ट फंदे के साथ इसको आगे से ऐसे बुनेंगे। देखिए सेकंड फंदे को लेना है हमें इस तरह, फिर फर्स्ट फंदे के साथ इसको बुनना है, फिर सेकंड फंदे हम पीछे से लेंगे इस तरह, फिर फर्स्ट फंदे के साथ इसको बुनना है।
इस तरह करके हमें पूरे सिलाई निकाल लेनी है। देखिए सेकंड फंदे को लिया, फिर फर्स्ट फंदे के साथ बुन दिए, फिर हमने पीछे से लेना है सेकंड फंदे, फिर फर्स्ट फंदे के साथ बुन लेना है। फिर हम उल्टी सिलाई आ गए, उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे, इसमें फंदे को आगे पीछे कुछ नहीं करना। देखिए फिर हम आगे सिलाई में आ गए, पहले हमारा यहाँ दो था, अब यहाँ हमारा चार बन जाएगा। देखिए चार बन गया, चार फंदा हमें बुनना है इस तरह, फिर ये दो फंदे के बीच में इस तरह घुसाकर फर्स्ट फंदे को बुन लिया, फिर सेकंड को बुन लिया, फिर ऊपर से इसको इस तरह उतारना है। देखिए फिर हमें दो फंदा सीधा बुनना है, फिर दो फंदे के बीच में इस तरह घुसाकर फिर फर्स्ट को बुनना है, फिर सेकंड को बुनना है, दोनों के ऊपर से फंदे के ऊपर से इस तरह उनको उतारना है। देखिए हमने दो फंदे बुन लिया, देखिए फिर सीधा ये दो बुनना है फंदे को, फिर एक दो दूसरे फंदे के बीच में इस तरह घुसेड़ना है। एक दो, फिर दो फंदे के बीच में डालना है, फिर ये ऊपर से दोनों फंदे को ऊपर से इस तरह करके उतारना है इसे, फिर दो फंदे के बीच में डालना है, कि हमारी उल्टी सिलाई निकल गई, हम फिर सीधी सिलाई में आ गए। देखिए हम तीन फंदे को सीधा बुन लिए, एक फंदा ये है हमारा सीधा और दूसरा ये इसमें से लेकर आगे को, फिर दूसरे फंदे के साथ इसको बुनना है, फिर हम पीछे से लेना है इस तरह, फिर फर्स्ट फंदे के साथ बुनना है, सेकंड फंदे लिया इस तरह, फर्स्ट फंदे को साथ बुनना है इसे, फिर सेकंड फंदे पीछे से लिए, इस तरह हमारी पूरी सिलाई निकलेगी। देखिए सेकंड फंदे को लेकर फर्स्ट फंदे के साथ इसको बुनना है, फिर सेकंड फंदे को लिया, फिर फर्स्ट फंदे के साथ बुनना है, to thousands.
इस तरह हमारी पूरी सिलाई निकल गई। फिर हम उल्टी सिलाई आ गए, उल्टी सिलाई में हम उल्टी निकालेंगे। देखिए दोस्त, हम फिर सीधी सिलाई में आ गए। फिर हमारा यहाँ बनेगा दोस्त, सीधा हमने बुन लिया। फिर इसके बीच में हम डालेंगे दो फंदे के बीच में डालकर, फिर हम सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर फर्स्ट बुनेंगे, फिर दोनों फंदे के ऊपर से इस तरह उतारना है। फिर दो फंदा सीधा बुन लिया, फिर दो फंदे को बीच में इस तरह डालकर इस तरह सेकंड को बुन लिया, फिर फर्स्ट बुन लिया, इस तरह बुनना है। देखिए दो फंदा सीधा बुन लिया, फिर दो फंदे को बीच में, फिर सेकंड को बुनना है। ये इस तरह फर्स्ट बुन लिया, फिर सेकंड बुन लिया, फिर ऊपर से इसको उतारना है। दो सीधा बुन लिया, फिर दो के फंदों के बीच में इस तरह डालकर फर्स्ट को बुनना है, सेकंड को बुनना है। देखिए दो हमारा सीधा निकल गया, दो फंदे को बीच में इस तरह डालना है, फिर ऊपर से इस तरह उतारना है इसको। हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिलता रहे। फिर हम उल्टी सिलाई आ गए, उल्टी सिलाई उल्टी निकालेंगे। पीछे से हमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन बन रहा, इस तरह का हमारा डिजाइन बनेगा। आइए आगे चलते हैं। फिर इसको हमें इस तरह बुन के निकालना है, फिर हमें पीछे से लेकर फर्स्ट फंदे को बुनना है इस तरह, फिर सेकंड को लेना है, फिर फर्स्ट फंदे के साथ इस तरह बुनना है, फिर हमें पीछे से लेकर बुनना है इस तरह। फर्स्ट फंदे को लिया इस तरह बुना, फिर सेकंड को लिया पीछे से, फर्स्ट फंदे को बुना इस तरह, फिर सेकंड फंदे को लिया, फर्स्ट फंदे के साथ इस तरह बुनना है। इस तरह हमारी पूरी सिलाई निकल जाएगी। देखिए एक बार हमारे आगे से इस तरह आता है, दूसरी बार हम पीछे से लेते हैं। देखिए आगे से एक बार लिए, पीछे से दूसरी बार। देखिए उल्टी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे। देखिए दोस्त, हमारा डिजाइन बन गया। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है।
देखिए कितना प्यारा लग रहा बनकर। अभी किसी भी स्वेटर में डालिए, जेंट्स स्वेटर में डालिए, बेबी स्वेटर में डालिए, बनकर बहुत प्यारा लगता है। सिंपल डिजाइन है, बनकर बहुत प्यारा लगता है और बहुत आसानी से डल जाता है। और डालिए आप, बनाइए, बहुत प्यारा डिजाइन है। देखिए देखिए इसके साथ मैच कर रहा, देख सकते हैं। थैंक यू।